लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। स्वर कोकिला लता मंगेशकर 88 साल की हो चुकी हैं। लताजी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच के कलाकार और गायक थे। लताजी को बचपन से ही गाने का शौक था और म्यूजिक में उनकी दिलचस्पी भी शुरू से ही थी। लता ने 13 साल की उम्र में पहली बार 1942 में आई मराठी फिल्म पहली मंगलागौर में गाना गाया। हिंदी फिल्मों में उनकी एंट्री 1947 में फिल्म आपकी सेवा से हुई। वो अब तक करीब 30,000 से ज्यादा गाने गा चुकी हैं। भारत सरकार ने लताजी को पद्म भूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया। बॉलीवुड में भी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और फिल्म फेयर जैसे कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। साल 2011 में लताजी ने आखिरी बार सतरंगी पैराशूट गाना गाया था। उसके बाद से वो अब तक सिंगिंग से दूर हैं। 1962 में जब लता 32 साल की थी तब उन्हें स्लोप वॉयजन दिया गया था। लता की बेहद करीबी पद्मा सचदेव ने इसका जिक्र अपनी किताब ऐसा कहां से लाऊं में किया है, जिसके बाद राइटर मजरूह सुल्तानपुरी कई दिनों तक उनके घर आकर पहले खुद खाना चखते फिर लता को खाने देते थे। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। लताजी के पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी थिएटर का जाना माना नाम थे। गोवा में आम और काजू के बागानों के अलावा उन्होंने 2 लाख रुपए में एक पहाड़ भी खरीदा था। इरादा तो था पुर्तगालियों से पूरा गोवा खरीदने का, लेकिन वक्त ने करवट बदली और दीनानाथ को नशे की लत लग गई, जिसका असर घर की माली हालत पर भी पड़ा। इसके बाद लताजी को कम उम्र में ही काम करना पड़ा। लताजी की फेवरेट सिंगर कोई इंडियन नहीं बल्कि मिस्र की सिंगर उम कुलसुम है। मधुबाला मानती थी कि लता की आवाज उन पर खूब जनचती है, इसलिए वो अपने हर कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्त रखती थी कि उनके लिए लता ही प्लेबैक करें। हालांकि लता का मानना था कि उनकी आवाज सायरा बानो पर ज्यादा अच्छी लगती है। लता जी बचपन में पढ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन दुनिया की 6 बड़ी यूनिवर्सिटीज से उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री मिली है। लताजी को हवाई सफर से डर लगता है, इसलिए जब फ्रांस की सरकार ने उन्हें प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया तो लता ने उनसे मुंबई आकर ये अवार्ड देने की गुजारिश की थी। इंग्लैंड के लॉर्ड स्टेडियम में उनके लिए एक परमानेंट गैलरी रिजर्व्ड है, जहां से वो अपना फेवरेट गेम क्रिकेट देख सकें। अपनी आवाज को और सुरीला और मीठा बनाने के लिए वो रोज ढेर सारी हरी मिर्च खाती हैं, खासकर तीखी कोल्हापुरी मिर्च।